फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो आने वाली है OTG कनेक्शन इनेबल कैसे करें। और फ्रेंड्स मेरे पास है रियलमी X7 प्रो। और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर पहले आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है और सेटिंग पे जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको सेकंड फेस आएगा, उसके बाद आपको यहाँ देखता है कीबोर्ड, यहीं पे आपको दिखेगा नीचे की साइड और OTG कनेक्शन, तब उस पर इस प्रकार से इनेबल करेंगे इसको और इस प्रकार से इसे डिसेबल करते हैं। और उसका यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन नॉट यूज फॉर 10 मिनट के लिए होता है फ्रेंड्स ये OTG कनेक्शन। और फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में इसे इनेबल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इनेबल हो चुका है, इसी प्रकार से इसे डिसेबल करते हैं। तो आई होप आप सीख चुके हैं OTG कनेक्शन को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसी प्रकार से OTG कनेक्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको दोबारा बता दीजिए, इसके लिए सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको सेकंड फेस आएगा, उसके बाद आपको नीचे साइड दिखेगा 2 डॉट वाला एडिशनल सेटिंग्स। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे और यहीं पे देखिएगा OTG कनेक्शन, इसका इन्फॉर्मेशन है। इसको पढ़कर आप इसे टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसी प्रकार से इसे इनेबल करते हैं, इसी प्रकार से इसे डिसेबल भी करते हैं। तो आई होप आप सीखी चुके कि OTG कनेक्शन को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए नमस्कार।